तलबा व तालबात फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान ब्राय जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है, जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.6 को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 इसी को ही आज कंटिन्यू करेंगे। इसके हमने 5 पार्ट तक क्वेश्चंस को देखा था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन 5 उस तक हमने इसे देखा और क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों को हमने देखा। एक को मैंने सॉल्व आउट करवाया यहाँ पे और दूसरा आपको होमवर्क के लिए दिया। अब एक और पार्ट जो है इसका, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, पार्ट नंबर 4 और 3। ठीक है, पार्ट नंबर 3 और 4 दोनों एक ही टाइप के हैं, इसलिए एक क्वेश्चन मैं करूँगा और एक क्वेश्चन जो है आप लोग होमवर्क के तौर पर घर पे करेंगे। ठीक है, सो पार्ट नंबर 4 है जी, जी इक्वल 4 minus 3 iota over 2 plus 4 iota, 4 minus 3 iota over 2 plus 4 iota। ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। हमें इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग कॉन्जुगेट के साथ। ठीक है, कॉन्जुगेट के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले यानी 2 minus 4 iota के साथ डिवाइडेड बाय 2 minus 4 iota, कॉन्जुगेट के साथ आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से आपके पास, आप क्या करेंगे, इनको ओपन करके फिर लिखेंगे। ठीक है, यानी 4 minus 3 iota ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 minus 4 iota के साथ और डिवाइड है भी, ये देखिए पहली पहली बराबर है, दूसरी दूसरी बराबर है, साइंस का डिफरेंस है, तो यानी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 को पहले सारी ब्रैकेट के साथ, फिर माइनस 3 iota को सारी ब्रैकेट के साथ, 4 2 8 और प्लस माइनस माइनस 4 4 16 iota, माइनस 3 iota को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो माइनस 6 iota। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 4 12 और iota स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ओपन करके हमारे पास ये आया और डिवाइड आ जाएगा 2 का 4 माइनस और ये आ जाएगा 16 iota स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा जी हमारा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देते हैं, 8 minus 16 और माइनस 6 कितने हो जाते हैं, -22 iota। ठीक है, -22 iota होगा हमारे पास और आगे हम लोग क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1 और यहाँ पे भी ऐसे ही 4 minus 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -1। ठीक है, सो आप देखिए हमारे पास आ गया 8 minus 22 iota -12 और डिवाइडेड बाय 4 plus 16। ठीक है,
अब आप देखिए हमारे पास आ गया -4, इनको अगर हम लोग सॉल्व आउट करते हैं 8 को और -12 को, तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का तो साइन आएगा, और साथ में 12 में से 8 जब माइनस करेंगे तो 4 रह जाएगा, -22 है योटा। डिवाइड कर दें आप 4 प्लस 16, दैट इज इक्वल टू 20, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 20 लिख देता हूँ। अब आप क्या करेंगे, कोई भी कटिंग अगर हो तो आप कटिंग कर दें, अगर कटिंग नहीं होती तो आप सिंपल एज इट इज ऐसे ही लिखें। अगर आप देखें यहाँ पे मैं कॉमन ले सकूँ कुछ ना कुछ, तो वो आ जाएगा जी 2 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, ठीक है, या फिर हाँ जी 2 कॉमन आएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा कीजिए कि इनको इस फॉर्म में लिखते हैं 4/20 -22/20 और यहाँ आयोटा, ठीक है। सो यानी क्या हो जाएगा, 4 1 4 4 5 20, और ये आ जाएगा जी 2 11 और 2 10, यही आएगा, ठीक है। सो यानी यहाँ भी आ गया -1/10 5, और यहाँ भी आ गया 11/10 और 7 आयोटा, वैसे ही, ठीक है। यानी सिंपलीफाई करने से हमारे पास जी जो है वो क्या आ गया, -1/5 -11/10 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास सिंपलीफाई करने से जी आ गया, ठीक है, नोट कर लें इसे। यहाँ भी नोट कीजिएगा, जहां तक मैंने क्वेश्चन किया वो सारा आपने करना है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले, क्योंकि इसको मैंने सिंपलीफाई किया और लास्ट में मेरा आंसर क्या आ गया, -1/5 -11/10 आयोटा। सो ये था मेरा फाइनल आंसर। तो मैंने डायरेक्टली इसे ऐसे लिख दिया, आप पूरे स्टेप्स को पेपर में भी करेंगे जैसा हमने पहले किया इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस पे वही चीजें अप्लाई कर दूंगा जो इनकी हमारे हमारी से रिक्वायरमेंट्स है। यानी ए पे उन्होंने कहा है 3 बार, बी पे उन्होंने कहा है हमें जी 3 प्लस 3 बार, सी पे उन्होंने कहा है हमें 3 माइनस 3 बार, ठीक है, और डी पे जो है हमें कहा है 3 × 3 बार, 3 × 3 बार। ये 4 चीजें उन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए कही। तो सबसे पहले मैं कर देता हूं जी बार का कॉन्सेप्ट। जी बार का कॉन्सेप्ट मैं किस तरीके से इसका क्लियर करूंगा आपके सामने, कि सबसे पहले मैं जी ले लूंगा, जी को हमने जब सिंप्लीफाई किया तो हमारी ये है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी इज इक्वल -1/5 -11/10 और आयोटा। बोथ साइड्स पे बार ले लेता हूँ मैं, यानी जी बार, और यहाँ पे -1/5, क्योंकि इनको एक ही स्टेप थ्रू आउट मैं इस लाइन में करता हूँ ताकि सारा क्वेश्चन आ जाए, इससे आगे मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप नीचे स्टेप्स करेंगे, ठीक है। सो क्या आ जाएगा, जी बार इक्वल -1/5 और -11/10 आयोटा, और यहाँ पे भी बार, ठीक है, दोनों तरफ मैंने बार ले लिया। बार से क्या होगा जी, आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सो यानी यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस लिख देंगे, किस तरीके, -1/5 और +11/10 और आगे आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास ही आ गया सी बार का सारा कॉन्सेप्ट और उसका आंसर। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करना है जी z+z बार। किस तरीके से जी, मेरे पास ये है -1/5 -11/10 और आयोटा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है जी, प्लस करना है जी बार को। जी बार हमने फाइंड आउट किया जो कि आया -1/5 +11/10 आयोटा। ओपन करके आप लिखेंगे
तो यहाँ पे देखें, जब ओपन आप करेंगे तो आ जाएगा -1/5, -11/10, आगे आ जाएगा भी -1/5 और आगे आ जाएगा +11/10 आयोटा, और यहाँ पे भी सॉरी आयोटा आएगा। ठीक है, सो ये देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस और माइनस हैं दोनों। ठीक है, सो इनका हमारे पास एलसीएम लिया जा सकता है किस तरीके से, -1/5 है और यहाँ पे भी -1/5 है, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 5। ठीक है, एलसीएम 5 आ गया, यहाँ पे देखें जरा आपको क्लियर नजर आ रहे। ठीक है जी, अब देखें आप 5 हमारा एलसीएम आ गया, जब 5 एलसीएम आया तो यानी ऊपर वाले सेम एज इट इज -1 और -1 आ जाएंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -2/5, यही आएगा जी हमारे पास फाइनल आंसर इसका, -2/5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी प्लस जी बार का फाइनल आंसर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप जी माइनस जी बार फाइंड आउट करेंगे, जी माइनस जी बार हम कैलकुलेट करेंगे, जी हमारे पास एज इट इज आप ऐसे ही लिखेंगे जी -1/5 और -11/10 और 7 आयोटा। ठीक है, माइनस लगाएंगे और 7 जी बार लिख देंगे, जी बार हमारा क्या आया था, ये -1/5 +11/10 आयोटा। अब आप देखिए, अब मैं दोबारा इसे करने लगा हूं, ओपन कर देंगे -1/5 -11/10 आयोटा, और अब माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, यानी +1/5 और -11/10 आयोटा। अब आप देखिए कटिंग क्या हुई, +1/5 और -1/5 की। ठीक है, सो यानी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है अयोटा वाला। ठीक है, सो अयोटा को हम लोग क्या करेंगे, अयोटा भी हम लोग फिर से वही वाला सीन ही करेंगे कि आपके यहाँ पे देखें, मैं डायरेक्टली इसको बता देता हूँ कि किस तरीके से करेंगे आप लोग। तरीका ये होगा जी आपका, ऊपर वाले दोनों को ऐड कर दें आप। ठीक है, यानी वो हो जाएंगे 11 11 22, और डिवाइड करते हैं जी सेम बेस, ये जो आपके नीचे है ना डिनोमिनेटर में, इसको आप सेम लिखते हैं, नहीं तो आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं एज इट इज, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, आप एलसीएम लेके ही कर लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, तो मैं करवा देता हूँ आपको। -11/10 है और -11/10, तो ये यहाँ पे आयोटा भी है, यहाँ पे भी आयोटा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या होगा जी, 10 एलसीएम आ जाएगा, -11 और साथ में -11, और यहाँ पे ये अयोटा लगाना मैं भूल जाता हूँ, अयोटा -11 अयोटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, -22 अयोटा डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, आंसर हमारा फाइनल क्या आया, -22 अयोटा डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, और आंसर आपको चूंकि नजर नहीं आ रहा होगा वहां पे, इसलिए मैं इधर करके लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इधर मैं लिख देता हूँ आंसर को, -22 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये हमारा जी फाइनल आंसर आ गया जी माइनस थ्री बार का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने लेना है जी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कटिंग करना चाहें तो वो कटिंग भी कर लें। ठीक है, यहाँ पे 2 के टेबल से आप कटिंग कर सकते हैं, 2 5s are 10 एंड 2 11s are 22। ठीक है, सो अब हम लोग करेंगे जी डॉट जी बार। ठीक है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना, जी हमारे पास है -1/5 -11/10 आगे अयोटा, और जी बार हमारे पास क्या मौजूद है जी, -1/5 +11/10 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे फर्स्ट को पहले इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी -1/5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -1/5 +11/10 आयोटा,
और जबकि -11/10 आयोटा जो ये वाला है इसको भी सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1/5 + 11/10 और आगे आयोटा। ठीक है, ये मैंने जी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिया इसे, ठीक है, और आपको एग्जैक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इनको यहाँ पे ओपन करके लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि स्पेस जो है उसका इशू भी ना रहे। -(-+1/25) आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी यहाँ पे आप देखें, बल्कि इनको मल्टीप्लाई करने का एक और मेथड भी आ सकता था यहाँ पे, जो कि हम लोग मिस कर चुके हैं। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं, अगर यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, डायरेक्टली आपका आंसर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फॉर्मूला लगा देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। यानी आप क्या कर दें, आप ये देखें, फर्स्ट फर्स्ट के बराबर, सेकेंड सेकेंड के बराबर, प्लस माइनस यानी साइंस का भी डिफरेंट, तो -1/5 का होल स्क्वायर आ जाएगा और -11/10 का आयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो ये क्या इम्प्लाइज करता है, ये इम्प्लाइज करता है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट स्क्वायर में आके, तो 1/25 आ गया हमारे पास। ठीक है, और साथ आ जाएगा जी माइनस, ये 11/11 121 होते हैं, और डिवाइडेड बाई 10 10 100। ठीक है, और साथ आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसे मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई कर देंगे, इस तरीके से इनका एलसीएम लेके और आयोटा की जो है वो वैल्यू पुट करके, तो इसका आंसर आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको। ठीक है, ये आ जाएगी जी 1/25 और आगे है जी माइनस माइनस, ठीक है, 121/100 और यहाँ पे -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने लिख दी। ठीक है, देखिए जरा आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, ठीक है, आ रहा है नजर। अब आप क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, ये मैं यहीं पे इम्प्लाइज का निशान लगा के कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप -1 से मल्टीप्लाई करें, 1/25 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, यानी इनके दरमियान प्लस आ गया, 121/100 आपका आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम आपका क्या आएगा, बड़ी वैल्यू आपकी एलसीएम आ जाएगी, जैसे हमेशा होता है 100 आपका एलसीएम आ जाएगा। 25 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाता है, यानी यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 121 ही आएगा प्लस के निशान के साथ, क्योंकि अब प्लस है, तो यानी 125/100 आ गया हमारे पास। इसका भी अगर हम लोग 25 के पहाड़े पे काट दें तो आ जाता है 25 4 100 25 5 125, यानी 5/4 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट का। ठीक है, सो ये था आपका फुल क्वेश्चन, जो कि है जी क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 जो है वो भी इससे मिलता जुलता है, वो आप खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करते हैं, पार्ट नंबर जो 6 है उसको देख लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है जी आपका पार्ट नंबर 4, मैं आपके साथ शेयर करूँगा जी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 है ये। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में एक लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले हम लोग सॉल्व आउट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास C/W और होल बार है इसके ऊपर और फिर ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले C/W जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, Z/W कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, स्टेटमेंट में आपको इफ Z and W शो दैट, ठीक है, Z की भी वैल्यू दी हुई है और W की भी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, Z है हमारे पास 2 प्लस
3 अयोटा, और W की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 5 माइनस 4 अयोटा। 2 प्लस 3 अयोटा, 5 माइनस 4 अयोटा। ठीक है, अब देखें इसका भी हम लोग कंजुगेट से अभी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 माइनस 4 अयोटा और 5 प्लस 4 अयोटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से ऊपर हमारे पास 2 प्लस 3 अयोटा, बल्कि डायरेक्टली मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, 2 5s are 10 एंड 2 4s are 8 अयोटा, और 3 5s are 15 अयोटा, प्लस 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 एंड 3 4s are 12 अयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वेयर माइनस 4 अयोटा का स्क्वेयर। ठीक है, कंफर्म कर लें इसे, 10 8 अयोटा, ठीक है, प्लस 15 अयोटा, प्लस 12 अयोटा स्क्वेयर। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, अब आप इनको ओपन कर देंगे। ठीक है, ओपन किस तरीके से, 10 8 एंड 15 कितना हो जाएगा, 23 23 अयोटा, प्लस 12 अयोटा स्क्वेयर। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखें, बल्कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी -1 आ जाएगा अयोटा स्क्वेयर की जगह। और यहाँ पे देखें मैं इसको नेक्स्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ इसके आगे, ठीक है, इसी के आगे इक्वल लगा के 25 आगे आ जाएगा जी -16 अयोटा स्क्वेयर। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25 माइनस 16 अयोटा स्क्वेयर की जगह उसकी वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 23 अयोटा माइनस 12 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि माइनस 12 और प्लस 10 -2 प्लस 23 अयोटा, और डिवाइड आ जाएगा कि 25 प्लस 16 ये 31, ठीक है, एंड 41 आई थिंक सो 41। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया -2 प्लस 23 अयोटा ओवर 41 आफ्टर सिंप्लीफाइड। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास z ओवर w आ चुका है। ठीक है, z ओवर w तो आ गया, अब आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है, आपने इसको लिखना है जी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि क्या होती है जी -2 बाय 41 एंड +23 बाय 41 एंड आयोटा। ठीक है, सो z ओवर w, अगर मैं ये आंसर आ गया, आप इस स्टेप को करेंगे और बाद में नीचे ये वाला स्टेप करेंगे, ऊपर बार ले लेता हूँ अगर दोनों साइड पे, तो नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा जी हमारे पास -2 बाय 41 -23 बाय 41 आयोटा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जस्ट जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ -2 ओवर 41 -23 बाय 41 आयोटा। ठीक है, सो ये मेरे पास आ गया z ओवर w और इसका बार। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड तो हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड आउट कर ली, अब क्या रह गया, अब राइट हैंड साइड रह गई। राइट हैंड साइड क्या है, z बार ओवर w बार। सो इसके लिए मेरे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, z बार। सो z बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है जी मेरे पास, z बार ओवर w एंड बार। सो z हमारे पास क्या है यहाँ पे इस टाइम, z है जी हमारे पास, बुक पे देखते हैं 2 प्लस 3 अयोटा। ठीक है, यानी z बार अगर मैं ले लूँ उसका, z जो है जी 2 प्लस 3 अयोटा, ये है जी आपके पास z। ठीक है, ये आपके पास z है, और इसके साथ w है 5 माइनस 4 अयोटा, 5 माइनस और सॉरी -4 और अयोटा। ठीक है, दोनों के ऊपर बार लगी हुई है, मैं बार ले लेता हूँ दोनों के ऊपर ही। बार खत्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, इनके इमेजिनरी पार्ट्स के साथ
माइनस लगा दूंगा जहां पे प्लस है, और जहां माइनस है वहां प्लस लगा दूंगा, यानी 2 माइनस 3 आयोटा ओवर 5 प्लस 4 आयोटा, ये आ जाएगा जी मेरे पास इनकी बार खत्म करने के बाद 2 माइनस 3 आयोटा ओवर 5 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। ये मेरे पास जी बार खत्म करने के बाद आया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इनको सिंपलीफाई कर लेता हूँ। किस तरीके से, 2 माइनस 3 आयोटा मेरे पास आया ओवर 5 प्लस 4 आयोटा आया, ऐसा ही है जी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देता हूँ जी कंजुगेट के साथ, 5 माइनस 4 आयोटा, और यहाँ पे भी 5 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। कैसी हो जाएगी जी, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जार 10 एंड माइनस 2 4 जार 8 आयोटा, माइनस 3 5 जार 15 आयोटा, माइनस माइनस प्लस एंड 3 4 जार 12 और आयोटा स्क्वायर डिवाइड कर देंगे हम लोग जी, 5 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, यानी मेरे पास आ गया 10 माइनस 23 आयोटा जमा 12 और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आएगा जी, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यानी आयोटा स्क्वायर की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ माइनस वन। सो यहाँ पे देखें 10 माइनस 23 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 12 और 25 प्लस 16। सो देखें आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -2, 10 ये और -12 ये, तो आंसर आएगा -2 -23 आयोटा ओवर डिवाइडेड बाय 41। अब आप देखें आपका आंसर आ गया -2 बाय 41 और -23 बाय आयोटा बाय 41। अब आप देखें कि दोनों आंसर जो हैं वो बिल्कुल सेम आए हैं, Z बार ओवर W बार का भी, ठीक है। ये दोनों आंसर्स आपस में सेम आए, ठीक है। यहाँ पे मैंने बार लिया और फिर मेरा आंसर ये आया, यहाँ पे मैंने पहले बार ले लिए और फिर आंसर ये आया, ठीक है। यानी बार आप चाहे आंसर के लास्ट में जाके ले लें या शुरू में अलग अलग बार ले लें, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। सो यही हमने आज प्रूव किया। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गई राइट हैंड साइड की, ठीक है। यही हमारा था आज का प्रूफ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सो अगर कोई मिस्टेक हो जाए लेक्चर में तो प्लीज़ आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि गलती हो जाती है इंसान से, ठीक है। इंसान तो गलती का पुतला है, ठीक है, परफेक्ट अल्लाह पाक की ज़ात है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रोल मॉडल हैं वो हैं, परफेक्ट हैं, ठीक है। सो अगर कोई मिस्टेक हो जाए आप प्लीज़ उसे करेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू क्वेश्चन। सो अल्लाह हाफिज़।